अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपने मोबाइल में एमएस ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि आप किस तरह कंप्यूटर में एमएस ऑफिस यूज़ कर सकते हैं, मगर अभी आप जो है मोबाइल में भी एमएस ऑफिस यूज़ कर सकते हैं और आप उसमें अपना ऑफिस वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल के लिए नोट्स बना सकते हैं, आप उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड होता है एमएस वर्ड वो मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है, पावर पॉइंट, तीनों जो है आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से एक ट्यूटोरियल बनाएंगे। ठीक है, फुल एमएस वर्ड का भी, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस पर हम वीडियोस बनाते जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको एमएस वर्ड की इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ठीक है, और आपने डाउनलोड कहाँ से करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, यहाँ पर आपने एमएस ऑफिस फॉर एंड्रॉयड 2007 ये सर्च कर देना है, और यहाँ से ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ 500 मिलियन प्लस डाउनलोड है इसके। ठीक है, 4.5 इसकी रेटिंग है, तो इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पर अपने एमएस ऑफिस में। आपने क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर देना है। ठीक है, ओपन करने के बाद अपने जीमेल से इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जीमेल से लॉग इन करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका डेटा लॉस्ट नहीं होगा। अगर आप मोबाइल चेंज करेंगे तो आपके जो नोट्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वहीं पर महफूज रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है कि ये आपके पास होम है, यहाँ पर ये प्लस जो टैब है आपने यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नोट्स है, लेंस है और वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर क्लिक कर देना है। ये पहले नंबर पर वर्ड है, दूसरे नंबर पर एक्सेल है, तीसरे नंबर पर पावर पॉइंट है। तो हम यहाँ वर्ड पर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जब वर्ड पूरा पढ़ लेंगे तो फिर एक्सेल और पावर पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पर हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको इसका इंटरफेरेंस दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट लुक है इसका। यहाँ पर जो नीचे टैब आपको मिलती है, इसमें सारी सेटिंग है। ठीक है, यहाँ हम इस छोटे एरो पर क्लिक करेंगे, यहाँ ये होम है। ठीक है, और ये होम में जितनी सेटिंग्स और आपको मिलती है, फीचर्स वगैरह, वो यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं इंसर्ट भी है यहाँ पर। यहाँ पर आपको ड्रॉ और लेआउट, रिव्यू भी मिलता है। ठीक है, और उसके बाद व्यू भी मिलता है। तो आप ये सारी एमएस ऑफिस की जितने भी फीचर्स है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है कि यहाँ पर हम होम को पहले यूज़ करेंगे थोड़ा। तो यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख देंगे इक्वल टू RAND, और यहाँ पर हम ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट एंड, और यहाँ से इस पर, यहाँ अब एरो देख रहे हैं। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देखिए पहले आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट ऑल पर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से ये आपको बी दिखाई दे रहा है, आपने बोल्ड पर क्लिक कर देना, आपके पास बोल्ड हो जाएगा। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे जो आई है, तो ये आपके पास कर्सिव हो जाएगा एक साइड पर। ये यू अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन कहते हैं, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं सारी टेक्स्ट को। ठीक है, यहाँ से आप कलर दे सकते हैं जो बैकग्राउंड है, ठीक है, उसको, और यहाँ ए जो है इसको आप टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट को जिस तरह कलर देना चाहते हैं वो कलर आप यहां से दे सकते हैं। यहां पर आप जो है इसको जिस पैराग्राफ को आप वो करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब पॉइंट्स देना चाहते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और डॉट वगैरह, वो आप यहां से दे सकते हैं। ठीक है, और यहां पर ये 1, 2, 3 है। ठीक है, अगर आप 1, 2, 3 देना चाहते हैं ये दे सकते हैं। आप इसको अरेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ को किस तरह आपने अरेंज करना है यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो है इसमें कॉमे वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आप डालना चाहते हैं वहाँ पर आप डाल सकते हैं। और अच्छा, ये पहली टैब आज हम पढ़ लेंगे और उसके बाद जो बाकी हैं यहाँ तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो रही है, तो बाकी जितनी भी सेटिंग है ये हमारे पास, ये हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो का मतलब ये है कि आपको समझा दूँ कि यहाँ आप मोबाइल में एमएस ऑफिस यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बाकी जो जितने भी टूल्स हैं ये सारे हम पढ़ेंगे, हर वीडियो में अलग अलग पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो ये एक फ़र्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसके बाद पूरी ट्यूटोरियल वीडियोस आपके पास आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को हमने लाइक कर देना, चैनल को हमने सब्सक्राइब कर देना,
मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।